कितना कैंड सारे आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है थर्सडे, हम अभी अभी ट्रेडिंग करके फ्री हुए हैं। ये हफ्ता थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी हमारे लिए ओवरऑल अच्छा रहा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये आप सबके सामने नहीं बोलेंगे, मेरे को बोलना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। मतलब अगर किसी को पता चल जाए ना कि ऋषि इतनी डिफिकल्ट मार्केट से भी इतना स्मार्टली खेल लेते हैं, मतलब मुझे देख के ऐसे होता है कि मैं भी थोड़ा थोड़ा समझने लगी, तो मेरे को मार्केट देखे तो ऋषि अब क्या कर रहा है, ओह शिट कैसे करो यार, ये कितनी डिफिकल्ट मार्केट है, कितना अप्स एंड डाउन आ रही, कैसे मैनेज करोगे। स्टिल ऋषि उस चीज को मैनेज कर लेते हैं, मतलब टैलेंट है ब्रो ब्रो, मतलब लोगों का ब्रो ये लोगों की तरफ से है, नहीं सच में है, यू गॉट टैलेंट ट्रस्ट मी। आपको इस पे नाज होना चाहिए, एक प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे मार्केट हो रही है और आपका माइंड ऐसे है, बिग थिंग यार। Yes, ट्रेडिंग में मैंने लाइव सेशन में भी ये बात बोली थी, ट्रेडिंग का पैसा लगा हुआ है। हाँ, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारी पहले 2-3 साल की बहुत मेहनत होती है लेकिन उसके बाद तुम्हारी लाइफ इजी हो जाती है वंस यू अंडरस्टैंड द गेम। कौन है वो, देखियो वो, देखो कैसे भागी आ रही है। गाइस आज मुझे ना मैम ने मॉनिटर बना दिया। इधर तो देख ले अपने स्टाइलों को, इधर ये अपने साथ में बैग लाई है। इस बार इसकी मम्मा ने एक्स्ट्रा ड्रेस दी है, को किसने पिछली बार उल्टी कर दी थी। है ना, खुश हो रही है। कहाँ कहाँ जा रहे हो? मॉन्की ठीक हो? आप ठीक हो? ये किसने बनाया, ये ड्रेस किसने बनाई है? मेरी मासी ने। मेरे स्टाइल हो फिर दिल्ली जा रहे कि मोलनी? दिल्ली जा रहे, मोलनी जा रहे हो? मोलनी मोलनी। अभी ये मुझे कहती है स्टाइलो जी आपने तो गाड़ी में कुल्फी जमा के रखी हुई है। आगे आ जाओ, चलो मायरू स्टाइलो बुला रहे हैं ना। एक्चुअली ये चली गई पीछे और हमें डर है कि ये पीछे से ऐसे करके खोल ना दे, इसलिए हम इसको आगे बुला रहे हैं। मायरू डाउन, आज आपका टास्क है लेके आओ इसे आगे बिना रुलाए। हैं इधर एक एक टॉफी दो, टॉफी टॉफी है मेरे पास, टॉफी देखी है, टॉफी दे दी है, वो मेरे पास टॉफी है, वो फिर ले आया ना बिना रुलाए आगे। मसीह का को मैजिक दिखाओ, चलो ओ ओ इसके ध्यान से नहीं नहीं बोलते नया एक आगे देखो आगे, आपको नए रास्ते पे लेके आए हैं। यो देख लो कितना अच्छा टर्न आएगा, एक्चुअली आज हम मोरनी के इलाके की तरफ नहीं जा रहे, आज हम आए हैं किसी पिंजोर में, कोई इलाका है हिमशिका, हिमशिका का है ईश्वरनगर, ईश्वरनगर। अगर जैसे ही तुम ईश्वरनगर क्रॉस करोगे तुम्हें मिलेगा पूरा घने वाला जंगल। चुनने को वहीं पे हमने छोड़ा ना इसको, हाँ तेरे को वहीं पे उनके साथ ही छोड़ा ना, हर थर्सडे मैं आया करूँगा तेरे को केले देने के लिए, ठीक है? क्या नहीं तो कान के पास ना मेरे लगी रहती है, क्या कौन सा गाना गा रही तू अभी? दिलों का स्कूटर है मेरा शूटर, दिलों का स्कूटर यहाँ पे लगी है। पहली एक बार सुना मैंने, दो बार सुना, तीन बार सुना, चार बार सुना, अगर चुनने बंद कर जा, मुझे इरिटेशन हो रही है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये और घना होता जाएगा। ये रास्ता मैंने और सरी ने ढूंढा था ऐसे ही, देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है, देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है, ऐसे करते करते हम यहाँ पे इस जंगल में पहुँच गए थे। लाइफ में पहली बार मतलब कि यहाँ पे ना लंबे लंबे सफेदे देखे थे, चार दोनों तरफ सफेदे ही सफेदे। इस एरिया में पहली बार आया है इनको लिए, लेकिन इनको इतनी आदत है कि जैसे ही गाड़ी रुकी देखो कैसे भागे भागे आगे। उसको भी टेंशन हो रही है। अरे रुक भाई रुक, ओ यार ये तो ऊपर ही बैठ जाते हैं गाड़ी के। हाँ। मारू डर गई। कैरी चुन्नू के पास, वो देख बेबी खा रहा है, वो देखो छोटा बेबी, देखो बेबी खा रहा है, देखो भूख लग रही है उसको टम्मी में। हाँ बोलो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, गाड़ी रुकेगी नहीं बिकॉज ऐसे गाड़ी रुकने में ना भी वो सारे नहीं इकट्ठे हो जाते हैं। बस ये पहले ना जब मंकी आए ना मारू डर गए थे ना,
जो मंकी आए थे बहुत सारे, तो पता क्या होता है बच्चे का देख लो एक्सपीरियंस होता है, जाते वक्त इतना डर दी, बाद में कहती मेरे को भी दो, मैंने भी फेंकने, मैंने भी फेंकने, धीरे धीरे बच्चों को एक्सपीरियंस करवाना चाहिए चीजें। ओहो क्या हुआ, चुन्ने को तो वहाँ पे छोड़ना भूल ही गए। जयंशी तेरे को छोड़ना ही भूल गए वहाँ पे। चलो फिर यू टर्न ले लो, यू टर्न मारो इसको छोड़ कर, प्यार कर ले स्टाइलो को, मना ले के चलो प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ। ना 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 अभी तो मैं यू टर्न मारूंगा, ना 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 तेरे को छोड़ के आ रहा, ना 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 मेरा केला लगा दिया सारा, मेरा केला लगा दिया सारा। बाहर बहुत तेज हवा, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और आगे मौसम भी बहुत ज्यादा, क्या बोलने, अच्छा हुआ हुआ है, खराब हुआ है जैसे मर्जी, लेकिन हवा बहुत ज्यादा तेज है। हम इनको मैगी खिलाने लेके आए थे लेकिन हवा इतनी ज्यादा तेज है कि मुझे लग रहा है कि हमें बाहर नहीं उतरना चाहिए, हम वापस चलते हैं, मैगी तो हम कभी भी खा लेंगे, घर में भी जा सकते हैं। बहुत स्मार्ट बच्ची है ये। चलो बाय, किसी कर दो, चलो सबको बाय कर दो, सबको यहाँ पे कैमरे में, कैमरा में यहाँ पे, ये क्या लॉजिक हुआ, हे भगवान ये क्या लॉजिक हुआ, गाड़ी चलाने से पहले लिपस्टिक लगा रही है, मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा तेरा। इसको हो गया 2-3 दिन गाड़ी चलाते हुए खाली जगह पे, तो अभी इसको मैं ना रोड पे लेके आया हूँ, और वो हमारी जो हमारी फेवरेट रोड है ना वो थोड़ी खुली है, वहाँ पे कम ट्रैफिक होता है, तो मैं इसको वहाँ पे लेके आया हूँ, मैंने इसको बोला चल यहाँ पे पहुँच गए तू गाड़ी चला, लिपस्टिक लगाने लग गई। सबसे पहले तो सीट आगे होगी और पीछे करो थोड़ी सा, ठीक है सबसे पहले क्या करना है, पहले कैमरा चेक करना है कि ठीक लग रही कि नहीं। थर्ड स्टेप क्या करना है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, पहला गियर, अब इससे आगे चढ़ाई शुरू हो रही है, इससे आगे सरी नहीं चलाएगी, इससे आगे इसको अब न्यूट्रल करो इसको। आज मैंने अपनी फेवरेट रोड पे चलाई, 4 बार बंद हुई है। अभी हम पहुंचे हैं एक, मैंने एक नई स्पॉट ढूंढी है मोमोज, जहाँ पे ऋषि मुझे लगता है बसना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले यहाँ पे ना मैं अकेला आया था तो मैंने यहाँ पे मोमोज खाए, ये अभी खा रही है कॉकटेल मोमोज। ऋषि चाहते नहीं कि मैं साथ भी करूँ इसके, पहले कहती टेस्ट करूँगी सिर्फ, अब इसको इतने पसंद आया कि अब ये छोड़ नहीं रही। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को लेके आऊंगी यहाँ पे सच में। चंडीगढ़ से शिमला की ओर आओ तो जो टिम्बर ट्रेल पॉइंट आता है वहाँ से 4 किलोमीटर आगे शिमला की तरफ जा रहे होगे तो आपके राइट हैंड साइड ग्रीन कलर की छतरी लगी होगी, व्हाइट कलर की ब्रेजा होगी और टेस्टी से मोमोज होंगे, और ये यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और संडे ही खड़े होते हैं। गैस इनके पास क्या है, गैस लोहरी जीरा। आपने देख ली, इसने पीछे देख ली, आप इतने पागल हो गए किस चीज़ के, गैस। भैया मुझे कहते हैं कुछ ठंडा पीना है, मैं क्या बताओ क्या है भैया, ये तो वो चीज है कि आप इससे डबल भी पैसे ले लोगे ना, इन्हें तब भी ले लेनी है। नजारा नजारा आफ्टर सो मेनी डेज, नजारा नजारा भाई जी। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऋषि कुछ लिख रहा है अपने सुंदर से व्यू के साथ। ऋषि और मैं अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि ऋषि और मैं प्लान आउट कर रहे हैं कि हम अकेडमी को, बी कैट को, ऋषि अरोड़ा को कैसे कैसे प्रॉपर टाइम दे, कैसे हम टाइम फ्रेम बनाए हैं ना, कैसे हम चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें, क्योंकि ऋषि के लिए, मेरे लिए तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं, बट ऋषि के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है सब चीज़ों को एक साथ हैंडल करना चाहिए। लाइफ के कुछ प्लान्स बना रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के, जस्ट स्पेशल इसी रीज़न के कारण हम दोनों यहाँ पे आए हैं, कि जस्ट हम स्पेशल इसीलिए बुक भी साथ लेके आए थे कि वी वांटेड टू प्लान आउट समथिंग, एंड वो किस तरह से हम उसको प्लान करते हैं। कपल में ऐसे बैठ के बात करना, प्लान आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन गैप आता है ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम्युनिकेशन गैप के कारण होती हैं। अगर तुम बैठ के आराम से दोनों बैठ के बात करोगे, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, एक तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, ऊपर से तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो बैठ के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत दिनों से चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि ऋषि, मतलब ऋषि का माइंड प्रॉपरली ऐसा वो नहीं है, कि ऋषि समझ नहीं आ रहा ये करूँ मैं, वो करूँ कैसे करूँ क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको इक्वली टाइम देना, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हो गया, कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, और हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, तो हम ही एक दूसरे से बात करके इन चीज़ों का सलूशन निकालेंगे, तो
अभी निकाल रहे हैं, लेट्स सी क्या निकलता है। अभी बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के कारण इस ब्लॉग का टाइटल दिया है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम मैसेजेस में। वो क्या है कि जो मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा अकेडमी का, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देना है कंटेंट राइटिंग के ऊपर, इसकी क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि बस ऐसे ही चलते फिरते घूमते फिरते या बैठे और मिनटों में होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च लगेगी, बहुत ज़्यादा राइटिंग लगेगी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लगेगी। जैसे कि यहाँ पर देखें यह अकेडमी टाइमलाइन, ये पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें ये चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, कौन सी डेट को मुझे कौन सा काम करना है। W मीन्स राइटिंग। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मेरा पूरे जो अगले आने वाले दिन है ये सारे राइटिंग के ऊपर ही है। इस चीज़ के ऊपर मैं और जो मेरी टीम है वो अपना 100% फोकस देना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि मेरा जो सारा टाइम, लाइक सुबह उठो अपना मेडिटेशन वगैरह करो, फिर उसके बाद सारा टाइम मेरा राइटिंग शूटिंग राइटिंग शूटिंग राइटिंग शूटिंग राइटिंग शूटिंग में इसी में ही निकल जाया करेगा। तो जो आपने अभी देखा कि मैंने और सरी वहाँ पे पहाड़ पे बैठे थे, हमने पूरा अपनी कैलकुलेशन की, अपना एक डिसीजन लिया कि अभी जैसे हमारे अल्टरनेटिव डेज पे व्लॉग आ रहे थे, आपने नोटिस किया होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं हुई है। और उधर से मेरा कोई, मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे अकेडमी के भी जो लास्ट, मैं बोलूँ ना लास्ट एक हफ्ता, वो भी इतना प्रोडक्टिव नहीं गया, क्योंकि दो ट्रैक चल रहे हैं ना, ऐसे करके दो ट्रैक चल रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है अकेडमी के ऊपर, बहुत ज़्यादा ये मतलब कि दिमाग वाली चीज़ है। कई बार तो मुझे एक सिर्फ इतना सा पैराग्राफ लिखने के लिए मुझे दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंप्लिसिटी के साथ समझानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब ये फाइनल चीज़ अकेडमी के ऑडियंस तक यानी कि आप तक पहुँचे तो वो एक 100% फुल फ्लेज चीज़ हो। ये नहीं कि कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कुछ कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो हमने मिलके ये डिसीज़न लिया है कि जैसे हमारे व्लॉग अब अल्टरनेटिव डेज पे आ रहे थे, व्लॉग्स की कंसिस्टेंसी थोड़ी और कम हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि व्लॉग्स आने ही बंद हो जाएंगे, व्लॉग्स आएंगे आते रहेंगे, लेकिन जस्ट फॉर जब तक ये अकेडमी की वेबसाइट खड़ी कर दूं मैं और मेरी टीम मिलके जो ये लगे हुए हैं, ये एक बार वेबसाइट खड़ी हो जाए, यानी कि अगले 2-2.5 महीने जो व्लॉग्स होंगे उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मैं कर रहा हूँ एंड टीम भी कर रही है। अब मैं ये नहीं चाहता, ऑब्वियस है कि एज अ टीम मेंबर, कि मैं ये नहीं चाहता कि टीम अपना काम करे और मैं अपना काम ना करूं, ऑब्वियस है कि वो एक बहुत गलत एग्जांपल सेट हो रही होगी पूरी टीम के लिए। तो इसलिए अगर अपना टीम भी अपना अगर पूरा 1000% दे रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2000% दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ एट द एंड है आपके लिए ही और मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो उम्मीद है आप समझोगे इस बात को। आएंगे व्लॉग्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल व्लॉगिंग बंद कर देंगे, ये है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, व्लॉग्स आएंगे, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट व्लॉग्स आएंगे, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम होएगी जब ये सारा बिल्डअप हो जाएगा, है ना, फिर वो अपन दोबारा इसको कंटिन्यू कर लेंगे व्लॉग्स को पूरी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ। हमारा भी मन है ले लग जाने का, लेकिन उससे ज़्यादा जो मन है वो है अकेडमी को खड़ा करने का। बाकी हमारी मस्ती देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जरूर देख लेना। हाँ, क्योंकि वहां तो हम डाल सकते हैं एडिटिंग या कुछ ऐसा कुछ करना नहीं, जो भी चल रहा होगा हमारी ना, कुछ चीजों कुछ लाइफ में कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, ये ना जितने कमेंट सेक्शन गाला कटनिया शुरू कर दो। तो ये था ये अपना आज का व्लॉग, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग कुछ नवी खप लेके, अगेन व्लॉग की कंसिस्टेंसी कम होगी लेकिन व्लॉग रुकेंगे नहीं।